सब लोग कैसे हैं? जरूर अच्छे होंगे, खुश होंगे, भगवान का आशीर्वाद से। सुबह का भी 8 बज चुका है, मेरा रोज का काम हम खत्म करके नहा करके पूजा कर लिए हैं, थोड़ा बैठ गए थे, नाश्ता नहीं बनाया है इसीलिए लेट हो गया है, जा रहे हैं नाश्ता बनाएंगे। बेटी का उपवास है, सोमवार करेगी, इसीलिए हम ना आलू और परवल का सब्जी बनाएंगे। वो नहीं करेगी, वो कुछ खाएगी नहीं, उपवास करेगी, इसीलिए वो मंदिर जाएगी। हम इधर सब्जी बना रहे हैं, पहले परवल को फ्राई कर ले रहे हैं, परवल फ्राई करने के बाद आलू को फ्राई करेंगे। नाश्ता कर लिए, बेटी नाश्ता नहीं करे, हम लोग नाश्ता कर लिए हैं, बर्तन नहीं धोए, बर्तन पड़ा हुआ है, रोटी थोड़ा सा बनाए थे, हो गया क्योंकि रात का भी रोटी था 2-3 पीस, सब्जी भी थोड़ा सा बनाए थे, परवल आलू का सब्जी। ये नाश्ता करके ब्रेकफास्ट हो गया, बर्तन नहीं धोए पड़ा हुआ है, सब्जी नहीं था, सब्जी मंगाए, जा रहे हैं अभी सब्जी काटेंगे, क्या सब्जी बनाएंगे वही सोच रहे हैं। टमाटर, करेला और कुमड़ा और बैगन, बैगन देखिए कितना सुंदर सुंदर, छोटा छोटा लौकी जैसा है, यहाँ पर ऐसे लौकी भी मिलता है हम लोग का। जा रहे हैं बनाएंगे, क्या बनाते हैं देखते हैं। बैगन, टमाटर, आलू और सजना डंठी, सजना डंठी बोलते हैं ना इसको, इसी को सब्जी बनाएंगे आज, वही काट रहे हैं। बैगन, टमाटर, मछली देके, उड़द दाल का बड़ी देके सब्जी बनाए हैं, कुमड़ा फ्राई करे हैं, मछली फ्राई, उड़द दाल का फ्राई, और कुछ नहीं है आज का मेनू, यही है। लंच करने के बाद आज नहीं सोए हैं हम लोग, माँ बेटी पूरा एकदम बात कर रहे थे, अभी आज रोटी नहीं बनाएंगे, आज मूढ़ी खिलाएंगे सबको, बोले बेटा खाने के लिए नाराज है, तब मैंने हाँ एक दिन खा लो, सोमा उपवास भी की, मेरे को करने भी मन नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत बैगनी वैगनी छान दे रहे हैं, खीरा काट दिए, यही सब कर दे रहे हैं, मिक्सचर उक्चर सब, मतलब थोड़ा सा खा लो, बोलते हम नहीं खाएंगे मूढ़ी, एक आध दिन खा लो, हम समझा दिए सब, कुछ बोला नहीं, सब पड़ गया, देखते हैं खाता है कि नहीं। डिनर कर लिए, बेटी पहले कुछ नहीं खाई, आई दो बार शरबत पी थी और थोड़ा सा अंगूर और केला खाया था और कुछ नहीं खाया, हम सब हम नहीं किए डिनर, अभी जा रहे थे, काम है, काम खत्म करके हम एक रोटी था खाए केला दिखे। बर्तन धोएंगे जा रहे हैं, कम्बल सब जो परसों धोए थे ना वो सब अंदर में सुखाए, बाहर नहीं सुखाए, वो सब कम्बल को जा रहे हैं बढ़िया से भांग करके पाट करके उसको बॉक्स पलंग में डाल देंगे, अभी और जरूरी नहीं है, थोड़ा बहुत बारिश उरिश आएगा तो कुछ कारण से ठंडा लगेगा, थोड़ा पतला पतला टाइप का चादर है वो सब दे देंगे तो मतलब हो जाएगा, अभी इतना मोटा मोटा कम्बल उड़ने के बाद जो खींचने पड़ता बड़ी मुश्किल है, हम अकेले खींच करके उसको फिर पायर में पकड़ करके हाथ में मुचोड़ते हैं, पानी झरने के बाद फिर सुखाते हैं, वो सब दोनों ही सूख गया, ये दिखाते हैं हम लोग को, ये देखिए दोनों को मुल इधर एक तो उधर एक तो,
दोनों को जा रहे हैं, सब अभी रख देंगे। बेटी कपड़ा प्रेस करी थी, आज ही करी थी, सुबह काल करी थी वो कपड़ा प्रेस जितना हुआ वो सबको भी रख देंगे अलमीरा में। फिर बर्तन धोएंगे, फिर छत के ऊपर चलेंगे। ब्लैंकेट सबको फोल्ड करके और रख दे रहे हैं। मेरा बेटी बोले मम्मी आप पढ़े लिखे काहे नहीं इंग्लिश में बोलते हैं, हमेशा हिंदी में और बंगाली मिला के बोलते हैं, इसीलिए थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोलना चालू किए हम भी। बेटी पढ़ी लिखी है ना, बेटा बेटी लोग बहुत पढ़ा लिखा है लोग, हम लोग तो उतना नहीं पढ़े हैं। अब भी मेरा गांव का दिखा देंगे आप लोग को, मेरा गांव में अब भी स्कूल में इंटर का हुआ है, ग्रेजुएशन का नहीं हुआ है। पहले इंटर पढ़ने के लिए नदी का उस पार जाना पड़ता था, नाव में करके पैदल जाएंगे थोड़ा दूर, फिर नाव में जाएंगे, फिर उसका बाद जाके कॉलेज पहुंचना पड़ेगा। अभी मेरा स्कूल जो मैट्रिक तक था अभी इंटर तक हो गया, दिखा देंगे आप लोग को जब जाएंगे गाँव ना, दिखा देंगे। एक तो हो गया और एक तो करेंगे, सबको रख देंगे। उस दिन आप लोग को दिखाया नहीं, दूसरा वाला पलंग का जो बॉक्स है उसका अंदर भी साफ कर दिए हैं, उस दिन आलमीरा भी साफ कर दिए, सब अंदर का जितना जितना काम सफाई हो गया। सब रखे हैं और रजाई का कवर वर तो, रजाई का कवर तो करके वो सब रख दिए। और एक ठो दो ठो रजाई था, दो ठो का कवर धो के रख दिए, और एक ठो बड़ा वाला ब्लैंकेट था वो भी रख दिए धो के। अभी ये छोटा छोटा पतला, ये साल बहुत ठंडा हुआ है ना, बारिश हुआ ठंडा, उसी में दो दो करके हम लोग ओढ़ते थे, तो इसीलिए वो सब रख दिए। धीरे धीरे हो गया, जितना मोटा चीज धो करके अभी रखा गया, फिर अगला साल जियेंगे तो निकाल करके ओढ़ेंगे, अभी रखेंगे उस रूम में। उस दिन इसको भी पूरा सफाई करके रख दिए हैं, दिखा दो, अंदर में भी पूरा घुस करके इधर कर दिए, फिर इधर बंद करके उधर किए, सब कर दिए। अब ये दोनों को भी रख देते हैं। उस रूम में रखते तो ठीक होता, देखते जितना कपड़ा है धो के सुखाए थे वो सब भी उठा कर रख दिए। अभी थोड़ा कपड़ा है बाथरूम में, धोएंगे जा रहे हैं। आज का ब्लॉग एंड करते हैं, कल न्यू ब्लॉग में फिर आप लोग से मिलेंगे। खुश रहिए, अच्छा से रहिए, मेरा ब्लॉग जरूर देखिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए। गुड नाइट, बाय।